Hello everyone, a warm welcome back to my channel. I hope you all are staying good and healthy. अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नया है या कोई पुराना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली आप मेरी वीडियोस इन्जॉय कर सकें. तो आप मेरे टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या शेयर करूँगी. वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मैंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर एक डिटेल्ड और एक बड़ा व्लॉग बनाया है जो कि मुझे एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं इतनी जल्दी नहीं शेयर कर पाऊँगी. तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटी सी क्लिप आप सबके साथ शेयर कर दी जाए. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर विजिट कर सकता है, ज़रूर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर कर सकता है. तो ये इंडियाज इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर NSIC ग्राउंड में हेल्ड हुई है. NSIC का एग्जीबिशन ग्राउंड है, वहाँ पे हेल्ड हुई है और ये कुछ ज़्यादा बड़ी एग्जीबिशन नहीं है. जैसे प्रगति मैदान में बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, ऐसा कुछ खास नहीं है. छोटी सी एग्जीबिशन है लेकिन इंटरेस्टिंग है. बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, दुबई, थाईलैंड. आपको मेरे ख्याल से इतनी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया जहाँ तक कि मैंने देखा और मुझे लगा. हमारी इंडिया से भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है. अपना अपना मटेरियल हम सबके साथ शेयर करने लाए हैं, सेल करने लाए हैं. तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर विजिट कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ 29 तक है. 29 के बाद ये हट जाएगी. इसका 29 ऑफ अगस्त लास्ट डे है. तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ज़रूर विजिट कर सकता है. बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया. अगर आप में से कोई एग्जीबिशन और फेयर जाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसी कोई एग्जीबिशन इंटरनेशनल फेयर देखने को मिली है NSIC ग्राउंड में. तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं स्ट्रेट फेयर में. मेकअप से रिलेटेड कारपेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स, अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी में ऐसा सब कुछ मिल जाएगा. आपको कारपेट्स मिल जाएंगे जो कि ईरान से आए कारपेट्स और ईरानी कारपेट्स हैं और राजस्थान से. जैसे मैंने भी कुछ ही चीज़ें बाय करी हैं क्योंकि एग्जीबिशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और हम सब कुछ बाय नहीं कर सकते. हमारी जो पॉकेट अलाउ करेगी हम वही बाय कर सकते हैं. तो एग्जीबिशन थोड़ी सी कॉस्टली होती है तो मैंने इतना कुछ बाय नहीं किया. और जो बाय किया है तो अगर आपको वो देखना है तो आगे आने वाले मेरे व्लॉग में देखिएगा. और व्लॉग देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर भी हिट करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरी व्लॉग देख सकें. तो उस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वहाँ से क्या बाय किया. वहाँ पर बहुत तरह के अचार राजस्थान से, गुजरात से, गुजरात का मिक्सचर नमकीन जो फेमस है और जो अच्छा न्यू है वो आया है. तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं. इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर. अगर आप ईरानी कारपेट्स पसंद करते हैं तो आप वहाँ उसके लिए भी वहाँ विज़िट कर सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टीम प्रेस और बहुत सारी चीज़ें हैं. ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन जो भी है बहुत अच्छी है, आप इंजॉय कर सकते हैं. जिस जिसको पसंद है आप ज़रूर ज़रूर वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं. और टिकट्स की बात करी जाए तो वो भी बहुत मिनिमल रेट्स के हैं, 50 rupees पर पर्सन है. अगर आप में से कोई जाएगा, आप ऑनलाइन बुक करके भी अपने टिकट्स जा सकते हैं और वहाँ पर भी टिकट काउंटर बना हुआ है. तो 50 rupees पर पर्सन है और आई थिंक 4 stalls हैं. लाइफ स्टाइल, बहुत तरह की क्लोथिंग सेक्शंस हैं. दुबई से, थाईलैंड से तो आप वो कर सकते हैं. मुंबई से पाकिस्तानी सूट्स का अच्छा कलेक्शन है. थोड़े रेट्स हाई हैं लेकिन कलेक्शन उनके पास अच्छा है. और वो कह रहे थे कि हमारा कलेक्शन जो है ना थर्ड कॉपी या सेकंड कॉपी ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी ही है. तो इससे रिलेटेड आप अगर कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं. अगर आप ईटिंग आइटम्स में इंटरेस्ट रखते हैं जैसे अचार और तरह तरह के पापड़ और तरह तरह के मिक्सचर नमकीन गुजरात से, राजस्थान से, तरह तरह का हलवा, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर वहाँ विज़िट कर सकते हैं. आपको ज़रूर मज़ा आएगा. और अगर प्राइजेस की बात करी जाए तो प्राइजेस थोड़े से हाई हैं एग्जीबिशन में ऑफ़ कोर्स. और ऑब्वियसली बात है प्राइजेस थोड़ा हाई होते हैं आइटम्स के, लेकिन जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहती थी. तो अगर आप मेरा प्रॉपर व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मेरी वीडियोज़. इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप सबके साथ लेकर आऊँगी. अभी मेरी क्यू में एक वीडियो ऑलरेडी चल रही है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही. तो उसके बाद ही उसका वो जो मेरा ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का व्लॉग है उसी के बाद आएगा. तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन छोटी सी शेयर कर दूँ. उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन
अच्छी साबित होगी। जो इंटरेस्टेड है वो ज़रूर विजिट कर सकते हैं। नियरेस्ट इसके बहुत नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बहुत नियरेस्ट है, तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022, तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, NSIC ग्राउंड, एग्जीबिशन ग्राउंड। तो मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ ज़रूर जल्दी से जल्द शेयर करूँगी प्रॉपर ब्लॉग। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाइए और विज़िट करिए और एक्सप्लोर करिए एग्जीबिशन, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा अगर आप में से कोई विज़िट करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।